राधे राधे जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन फूड रेसिपी में। आज हम बनाएंगे प्याज मटर और सोयाबीन की सब्ज़ी। तो प्याज को हम बड़ा चॉप कर लेंगे, टमाटर हरी मिर्च अदरक का पेस्ट बनाएंगे और लहसुन बारीक बारीक काट लेंगे। और तब तक हम सोयाबीन को भिगाने रख देते हैं जब तक हम ये अपनी सब्जियां काट करेंगे। प्याज हमने बड़ा काट लिया, लहसुन बारीक काट लिया और इसमें टमाटर काट लिए, हरी मिर्च है और अदरक है। अब हम इसका बना लेते हैं पेस्ट, फिर चलते हैं गैस की तरफ बनाने को। सोयाबीन हमारे फूल चुके हैं, अब इसका हम पानी निचोड़ देते हैं और टमाटर की हमने प्योरी बना ली है, इसका पानी निकाल के फिर चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल, एक बड़ा चम्मच हमने सरसों का तेल लिया। तेल होने देते हैं गरम, तेल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हमने डाला है आधी चम्मच जीरा, दो तेज पत्ता, और ये बारीक काट के जो लहसुन रखा था वो। लहसुन हमारा भून चुका है, अब हम इसमें डालते हैं जो हमने बड़ी बड़ी प्याज काटी थी वो। इसके साथ ही हम इसमें सोयाबीन डालेंगे, हम इसे नए तरीके से बना रहे हैं। आप एक बार इसे ऐसे बनाकर जरूर देखिए, बड़ा ही आसान तरीका है। अब इसे हम प्याज के साथ फ्राई होने देते हैं थोड़ी देर, प्याज भी हमारी भून जाएगी और बड़ी भी फ्राई हो जाएगी। बड़ी हमारी भून चुकी है, प्याज भी हो गई। अभी हम इसमें हम डालते हैं यही सारे मसाले और टमाटर की कड़ी। हमने इसे अलग तरीके से बनाया, आप भी ऐसे एक तरीके से बना के देखें, अच्छी लगती है। अभी इसमें हमने डाल दी मटर, मटर को भी इसके साथ थोड़ी देर मिक्स कर देते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको मेरी अच्छी रोटी लगती है। अभी हम इसमें डालते हैं सारे मसाले, और ये डाल दिए हमने इसकी टमाटर की प्योरी जो हमने बना के रखी थी। तो चलिए हम इसी के साथ मिक्स करेंगे। और हम अब डालते हैं सारे मसाले, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधे चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्वाद के अनुसार नमक आधी चम्मच। और हमने क्या करते हैं आपके सामने, पानी डालकर स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। आप इस तरह से बनाइए जरूर एक बार, सोयाबीन प्याज मटर की सब्जी बहुत ही अच्छी लगेगी। सब्जी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब हम इसमें डालते हैं पानी हमारा बॉयल है। और इसे एक बार और मिक्स करके इस पर ढक्कन रख देते हैं
लो फ्लेम पे इसे पकने देते हैं। ढक्कन हमने कर दिया है बंद, अभी इसे लो फ्लेम पे पकने देते हैं, फिर देखते हैं आगे। सब्जी को करीब 7 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे पकते हुए, अब हम इसे चेक करते हैं। सब्जी हमारी बन चुकी है, मटर भी गल गए। अब हम इसमें डालते हैं किचन किंग मसाला और कसूरी मेथी, क्रश करके। ये है किचन किंग मसाला, इसे हम करते हैं मिक्स, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और कसूरी मेथी क्रश करके डालेंगे। इसे भी मिक्स कर देते हैं। और इसमें डालेंगे हरा धनिया, फिर आपको दिखाते हैं सर्व करके। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं और गैस कर दी बंद, अभी निकाल के दिखाते हैं। हमारी सब्जी तैयार है सोयाबीन मटर प्याज की, आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर देखिए, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।